प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुताश्री अधिकारी द्वारा विषय हरिनाम भगवान का प्रकट स्वरूप पर दिल्ली में दिया गया है। तो बहुत सुंदर सवाल है। तो भगवान प्रकट होते हैं पर हर पल प्रकट होते हैं, ऐसी नहीं बात है कि हो गए और नहीं होंगे। लेकिन मूर्ख जी भगवान की प्रतीति अनुभव, उनका अनुभव नहीं करता। तो भगवान पर्दे में भी नहीं है, हमने पर्दा लगा के रखा है। तो तकलीफ भगवान को अवतरण की नहीं है, जैसे कि अभी भी भगवान प्रकट है उनके नाम के रूप में, कलिकाल कलिकाले कृष्णा नाम रूप अवतार, नाम लेते हय सर्व जगत निष्ठार। कलिकाले कृष्णा नाम रूप अवतार, नाम लेते हय सर्व जगत निष्ठार। सर्व जगत का निष्ठार हो सकता है क्योंकि कलयुग में श्री कृष्ण का, भगवान का, अल्लाह का, यहोवा का, एक ओंकार का एक ही है, वो है कृष्ण। उन कृष्ण का अवतार कलयुग में नाम के रूप में हुआ है। नानक दुखिया सब संसार सुखी, सुखी सोई जिन नाम आदा। यहाँ कितने हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करते हैं, ये अवतार है। यह भूल है, कृष्णा लिखा, कृष्णा ये प्रिंटिंग लोग थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं। कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो ये नाम है। हरे कृष्ण एंड राम नाम है, जिनमें राम और कृष्ण भगवान का नाम है, और हरे अर्थात मदर हरा राधा रानी जो भगवान की आलादिनी शक्ति है। तो नाम का जिनके जिनको आधार है भगवान की प्रतीति अभी वो कर सकता है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति आप अभी कर सकते हो। तो भगवान कब अवतार लेंगे और कब आएंगे, वैसे उनकी अवधि है। श्री कृष्ण ओरिजिनल पर्सनालिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द गॉड एक है, वो है कृष्ण। तो क्या इसलिए कि हम इस्कॉन वाले कहेंगे इसलिए, नहीं। शास्त्र ये एक प्रमाण है, गुरु एक प्रमाण है और साधु एक प्रमाण है। ये तीन प्रमाणों का जब एक मत हो तो वो भगवान बनता है। सब साधु कहें हाँ ये भगवान है, सब शास्त्र कहें ये भगवान है, और सब गुरु कहें ये भगवान, तो वो भगवान बनता है। ऐसा नहीं कि गलियों में भगवान की कतार लगी, लाइन लगी है, ऐसा नहीं होता। गोविंद भगवान है, गोविंद गायों को चराने वाले, गो गाय, विंद समझने वाले, गोविंद गोपाल, तो ये भगवान है। स्वयं रूपे स्वयं कृष्णा दोई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्णा व्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूप खुद भगवान का रूप क्या है, स्वयं रूप, तो वो हमारे साहित्य में शास्त्रों में कहा कि व्रज में जो गोप हैं, गोप के रूप में है गोविंद गोपाल, वो ओरिजिनल मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर वो है।
गोपाल तापनी उपनिषद वेद श्रुति स्मृति और सब शास्त्र एक कहते हैं और साधु साधु में शंकराचार्य रामानुजाचार्य निम्बार्क स्वामी विष्णु स्वामी सूर मीरा हमारे नानक देव जी ने भी कहा गोविंद कृष्णा। तो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी 2200 बार कृष्णा नाम शब्द आता है 2200 बार गिन के। तो ये पहचान है भगवान की कि गोविंद कृष्णा गोपाल कृष्णा ये भगवान सब साधु कह रहे हैं सब शास्त्र कह रहे हैं और गुरु गुरु वो है जो कृष्ण की पहचान कराए जो कृष्ण के नजदीक ले जाए जो कृष्ण का ज्ञान दे। तो कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार कलयुग में कृष्ण का नाम रूप नाम के रूप में अवतार हुआ है और वो नाम हमारे बीच में है जस उनका सेवन करना है। सेवन मुख्य है जिह्वा आदो स्वयमेव स्फुरत्यदा अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्मेन्द्रिय। हमारी इंद्रिया ग्राह है मलिन है गंदी है न भवेत इसलिए ये नाम अवतार का अनुभव हमें नहीं हो रहा है कि नाम का प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि हमारा अस्तित्व गंदा है। अग्नि में प्रवेश करने के लिए अग्नि बनना होगा तब अग्नि में आप प्रवेश करके वहाँ उपस्थित या वहाँ रह सकते। तो उसी तरह ये आध्यात्मिक चीजें आध्यात्मिक भगवान आध्यात्मिक नाम आध्यात्मिक शास्त्र समझने के लिए हमें आध्यात्म में प्रवेश करना होगा। बाहर की सपाटी से कुछ नहीं होगा। स्वरूपेण धावतो बही बाहर होके जार है बॉटल है उनमें हमने हनी है और हनी हम बाहर बॉटल को लीक करेंगे बॉटल को चाटेंगे तो हनी का कोई स्वाद आने वाला नहीं है। लेकिन आपको अंदर तो ये ग्लास जो बॉटल है उनको पार करना होगा अंदर। तो अध्यात्म में हमें प्रवेश करना होगा ऊपर ऊपर से बातें नहीं होगी। तो भगवान का नाम हर शास्त्र में मुस्लिम क्रिश्चियन हमारे कई पंथ हैं गुरु नानक देव और जैन और सिख ईसाई हिंदू सब शास्त्रों में नाम बताया है भगवान का और भगवान है वही एक कोई दो तीन भगवान नहीं है। तो उनका अवतार अभी यहाँ मौजूद है अवतार नहीं खुद मौजूद है। हमारे शास्त्र कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम और नामिनो गॉड कृष्ण नाम और नामी भगवान एक है अलग नहीं है अभिन्न है अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम अगर भगवान कृष्ण खुद गोवर्धन उठा सकते हैं तो नाम भगवान भी गोवर्धन उठा सकते हैं क्योंकि नाम और नामी भगवान कृष्ण में तनिक भी अंतर नहीं है। तो मैं आपको आज ये विनंती करूंगा कि आप ये नाम लीजिए हरे कृष्णा कृष्णा अभी भी बोला नहीं जाता आपसे अभी भी नहीं बोल सकते। ये अवतार है 16 माला हर रोज कितनी। तो भगवान श्री कृष्ण अल्लाह जहोवा की प्रतीति आपको हो ही जाएगी लेकिन ये मंत्र करना है। कृष्णा का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव भगवान द गॉड ऑल सर्व आकर्षक है सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और खुद भी आकर्षक है आकर्षक खुद आकर्षक है और आकर्षित करते हैं। रसिक शेखर कृष्णा परम करुण भगवान रसिक
रस का आगार है, रस भी रसिक भी दोनों है। कृष्ण रस भी है, हम उनको आस्वादन कर सकते हैं कृष्ण का, और वो रसिक भी है, रस का आस्वादन भी करते हैं। तो यह है गौर और यह मंत्र। तो 16 माला करने पर भगवान की प्रतीति आपको इस जन्म में हो जाएगी, गारंटी। कौन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा यहाँ, हाथ खड़ा कीजिए क्या? बस भाग्य बहुत कम है, हाथ जिनका ऊपर नहीं है उनके भाग्य कैसे हैं? भगवान की प्रतीति करनी है ना, तो मैं आपके लिए एक गारंटी वाला उपाय लेके आया हूं। वो क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला, अगर सीरियस हो तो 16, सीरियस नहीं हो तो आपके सामर्थ्य के मुताबिक। लेकिन ये मंत्र अथर्ववेद कलिय संतरण उपनिषद का ये मंत्र है, वेद का मंत्र है और सारे जग का मंत्र है। तो 16 माला है। यस, आगे आओ और ये माइक पे बोलना होगा आपको। जिनको भी सवाल है मेरे साथ बैठ जाइए इधर, मैं आप में से हूँ, मैं आपसे न बड़ा हूँ न छोटा हूँ, आपका हूँ। तो शर्म मत भरिए, इधर आ जाइए। जिनको भी सवाल है, पोर्टेबल माइक नहीं है इसलिए आगे आ जाइए जल्दी जल्दी। जी गुरु जी, चरण वंदना। आपके चरणों में भी मेरी वंदना। जब भी हम भजन में कीर्तन में बैठते हैं तो हमें संसारिक बातें के ऊपर ध्यान करती है, तरह तरह के विचार आते हैं, उनके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। संसारी बातें सत्संग में याद आ जाती है, नहीं याद आए तो उनके लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात भगवद गीता में कही कि हम ये भौतिक जगत से आसक्त हैं, इसलिए हम ये भौतिक जगत में आ गिरे आपन्न समस्मृतिम घोरम, घोर संसार में आपन्न समस्मृतिम घोरम, आ गए फंसा गए, हम फंस गए। आपन्न समस्मृतिम घोरम यत नाम विवशो गृणात, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है व्यवस्था से अज्ञानता से, विवशो गृणात तत्यो सद्यो विमुच्यत, तुरंत वो विमुक्त मुक्त हो जाएगा। ततो सद्यो विमुक्ते विमुच्यत यत विभेति स्वयं भयम, स्वयं भय भी ये भगवान के नाम से भयभीत होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे नाम का जप करो, और कैसे करो? असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, हमारा मन गंदा है, जहां भी हमारी आसक्ति है वहां चिपक जाता है, और हमारी आसक्ति गंदी चीजों में ज्यादा है, हमारी आसक्ति गंदी चीजों में ज्यादा है। जैसे आप बुरा मत मानना, मैं आपके समक्ष कुछ लो शब्द यूज कर रहा हूँ, तो शास्त्रों का एक शब्द है, कंदुलये न करयो एव दुख दुखम तृप्यन्ति न इह कृपणा बहु दुख बाजा कंदुतिवान मानुषी जाम, ये कंदुति सेक्स मानुषी जाम मन से पैदा होता है, काम मन से पैदा होता है। तो ये मन और काम की आसक्ति सबसे ज्यादा है भौतिक जगत में, मनुष्यों को नहीं हर जीवात्मा को होती है काम, और काम के लिए पैसा चाहिए। तो धर्म बजाओगे तो अर्थ आएगा, जो आपके पास है यहाँ रजौरी में ये ज्यादा है इसलिए तकलीफ है। तो काम आएगा, धर्म आएगा तो काम आएगा, और काम आएगा तो धर्म अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो काम आएगा। बहुत पैसा हो जाएगा तो आपके बच्चे भी घट जाएंगे, शराब की तकलीफ और सब कुछ शुरू हो जाता है, पैसों से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो काम में आ सकती, और काम के लिए बड़ी कोठी चाहिए, काम के लिए बड़ी बीवी चाहिए, जिनकी बीवी बड़ी उनका बड़ा नाम है ना तो बड़ा बड़ा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी लाड़ी चाहिए, लाड़ी मीन्स वाइफ, और बड़ी कोठी चाहिए, बाद में सबको दिखाना है,
तो सबको इनवाइट करना पड़ेगा, तो रात के 2 बजे तक पार्टी चाहिए, तो इनमें आसक्ति है हमारी, इनमें आसक्ति है। तो भगवान कहते हैं अनासक्ति रूपी शस्त्र से इन भौतिक जगत के वृक्ष को काट गिराओ। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्त्वा, अनासक्ति रूपी शस्त्र से उनको काट गिराओ, उनके जड़े काटो। आसक्ति अनासक्ति, आसक्ति किसमें हमारी है? मैंने कहा काम में पहली आसक्ति, हर जीव को काम। दूसरी आसक्ति आगे बढ़ेंगे तो काम मीन्स कामिनी, कामिनी के बाद कांचन, मनी, मनी एंड हनी। किसमें आसक्ति है हमारी, किसमें आसक्ति है हमारी? कांचन और कामिनी, है ना? किसको आसक्ति नहीं इन दो चीजों में? कोई यहाँ है जिनको आसक्ति ना हो? इनको भगवान का नाम सत्संग में जाओगे तो माइंड इधर उधर, मन इधर उधर जाएगा नहीं। जैसे हम लोग विरक्त लोग हैं, हमारी अभी मृत्यु हो जाए, शरीर गिर जाए, हमारी जायदाद लूट जाए, हमारा हम जल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भौतिक जगत हम नहीं, हम भौतिक जगत की पैदाश नहीं है, हम आत्मा है। और न मैं मरने वाला हूं, न मैं चलने वाला हूं, ये मैं हूं। तो ये ज्ञान जब हो जाए, दिव्य ज्ञान जिसे कहते हैं, दिव्य ज्ञान हो जाए, तो दिव्य ज्ञान होते हुए भौतिक आसक्तियां छूटेगी और भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों में आसक्ति बढ़ेगी, सत्संग संग में आसक्ति बढ़ेगी, तो बाद में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सत्संग में बैठे सब भूल के, जनक महाराज विदेही, वैदेही, विरक्त, उनका राज्य था, उनकी रानियां थी, उनके मंत्री थे, उनका सब कुछ था। तो एक दिन वो साधुओं के साथ नदी में स्नान करने गए, तो दौड़ते हुए उनके सिपाही आए, जनक महाराज आपकी सारी जनकपुरी जल रही है। तो जनक महाराज को मैसेज मिलता है कि आपकी जनकपुरी चारों ओर जल रही है। तो उनके साथ जो साधु लोग, गिरु हुए लोग थे, तो वो भागे अपनी लंगोटी बचाने के लिए, उनकी लंगोटी वहां सूख रही थी। तो साधु लोग क्या करें, वो भागे, और जनक महाराज कहते हैं, स्नान करते 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 रहे और कहते हैं, मेरा तो कोई जल नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं जल रहा, वही देह ही है, देह नहीं जल रहा, अगर मेरा देह भी जल जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं जल रहा, क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद रूप आत्मा हूं। न जायते न म्रियते कदाचिन, उनको पवन सुखा नहीं सकता, तय न क्लेदन तय पदे तापो, न सोसायती मारुत, पवन उनको सुखा नहीं सकता, अग्नि उनको जला नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं जल रहा। और साधु लोग त्यागी होते हुए भागे, उनकी लंगोटी बचा। तो ऐसा जब एक विश्वास हो जाए कि मैं आत्मा हूं और भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, इसलिए मुझे उनकी ही सेवा करनी ही पड़ेगी, ऐसे 3 चीजों का विश्वास हो जाए। कौन सी 3 चीजें? मैं कौन हूं, और नहीं बोले वो दुरात्मा, आप कौन हो, और नहीं बोले वो, आप कौन हो, और नहीं बोले वो, इतना तो बोलो मेरे भैया, आप कौन हो, भूख, ये सब सुबह का ब्रेकफास्ट करके आए हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आप सब कौन हो, आत्मा हो कि शरीर हो? आप सुंदर स्त्री हो क्या? आप सुंदर सुंदर पुरुष हो? आप सिख हो क्या? आप ईसाई हो? आप मुस्लिम हो? दाढ़ी लंबी बना ली,
मुस्लिम हो गए, चोटी लंबी बना दी हिंदू हो गए, ये शरीर मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हो सकता है, लेकिन अंदर जो बैठा है हम, इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? हम। और हम कौन है? तो ये आत्मा न सिख ईसाई है, और ये आत्मा सत्ता रूप हम वर्ते, आत्मा के स्तर पर आ जाए, मैं आत्मा हूं, तो फिर सत्संग से आपका मन बाहर नहीं जाएगा, जाएगा। तो हम आत्मा हैं, श्री कृष्ण का अंश हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है कृष्ण की? मुंह से और जोर से बोलना है, जोर से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? हरे कितना कितना कितना, हरे 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 कितना, बस कितना कितना। तो मन तो कितने में जाएगा? सत्संग में बैठे हो तो मन किस में जाएगा? कृष्णा में। कृष्णा में। कितने में जाएगा? तो कृष्ण में अगर आसक्ति हो गई तो मन कहीं नहीं भटकेगा। तो हम कौन है, किसके अंश है, इसलिए हमें क्या करना ही पड़ेगा? सेवा। और सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? 1 करोड़ रुपया मुझे दान दे दो। सरल है ना कि कड़ा है? कड़ा है। बड़े हवन कर लो, ये सारे दिल्ली को बुलाओ और बड़ा आग हवन, बड़ा यज्ञ करो। कड़ा है कि सरल है? कड़ा है। हिमालय पे जाओ और 1 पांव पर खड़े रहो और वहां तप करो। सरल है ना? कड़ा है। तो ऐसे सब शास्त्रों में बताए हुए मार्ग कड़े हैं। सबसे सरल मार्ग क्या है? मुंह से और जीभ से कृष्ण की सेवा करो। ये कर सेवा करता है कोई, कोई धन सेवा करता है, कोई मन सेवा करता है, कोई कहीं सेवा करता है। सबसे सरल सेवा और सर्वोत्तम सेवा है मुंह से और जीभ से इन नाम की सेवा करना है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना सरल, बस बोलना है खाते हुए सोते हुए, इन बिटवीन टू कोर, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। 16 माला ए डे, नॉट मोर। इफ यू कैन डू मोर, इट इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। बट बिगिंस, तो सेवा हम करेंगे 16 माला की मुंह से और जीभ से, तो हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है ना? तो हम कृष्ण की सेवा मुंह और जीभ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रेम। किसका? कृष्ण का। तो किसको कृष्ण का प्रेम चाहिए यहाँ? किसको चाहिए? तो 16 माला करनी पड़ेगी हरे कृष्ण की 16 माला। कौन करेगा? हाथ नीचे हो गया, सारा नीचे हो गया हाथ। मुफ्त में प्रेम मिलता है, आप पति को मुफ्त में प्रेम कर सकती हो? पति आपको मुफ्त में प्रेम कर सकता है? आप हर रोज रोटी पका के सारे जीवन सुबह शाम रोटी पका के दोगे तो पति प्रेम चाहे कर सकता है, ना भी कर सकता है, तलाक भी दे सकता है रोटी पका के आए सारी उम्र, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। 16 माला करी भगवत प्रेम। तो हम कौन है? आत्मा। किसके अंश है? इसलिए हमें क्या करना ही पड़ेगा? उनकी सेवा। सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और ये सेवा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कृष्ण का प्रेम, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो ये सब सवालों का जवाब है, ये 5 स्टेप। हम आत्मा है, श्री कृष्ण के अंश है, इसलिए उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। सबसे सरल सेवा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, 16 माला ए डे,
सोलह माला जो करेगा वो कृष्ण का प्रेम पाएगा। एनी क्वेश्चन एट ऑल? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन एट ऑल? कोई सवाल? यहाँ कौन हरे कृष्ण मंत्र की माला करता है? कौन करता है? वेरी गुड, तो शुरू कर दो आप सब, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवताम की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। गौर प्रेमानंदी।